हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। पता है फ्रेंड्स, कभी कभी ना हमारे मन से अगर हम जीत जाते हैं ना, तो हम बहुत सारे अपने काम कर लेते हैं और अपने सारे जो भी हमारे इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना लाइफ के, हम अपने मन से जीत कर ही हासिल कर सकते हैं। क्या है ना, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे आपकी लाइफ की बड़ी चीज़ हो। जैसे देखिए, मैं आई आज अपने काम करने के लिए। बहुत दिनों से सोच रही थी ना कि यार मुझे ना जो युग के कपड़े हैं उसको रखने हैं। और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी चीज़ है, लेकिन हम अपने मन से ना कभी लगता है कि रुको पहले ये कर लेती हूँ, या फिर रुको यार अभी मन नहीं कर रहा है, बाद में कर लेंगे। तो थोड़ा उस मन को हरा करना, अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं तो जीत हमारी ज़रूर पक्की है। और बस मैंने ही ना अपना काम शुरू किया। बहुत दिनों से ये आलस था मेरे मन में, और कुछ ना कुछ काम की वजह से या फिर कभी आलस की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने सोचा कि आज इस काम को तो निपटा ही लेते हैं। तो ये जो कार्टन आप देख रहे हैं, मैंने बहुत दिनों से रखा था। मतलब मुझे लग रहा है ना 1 महीने तो हो ही गए थे रखते हुए इसको। मैंने इसको फेंका भी नहीं था कि मैं इसमें ना, यही मैंने सोचा था कि युग के जीन्स जो है ना मुझे अरेंज करके रखने, इसके कपड़े ना हमेशा ही फैल जा रहे हैं। और मुझे ना, जबकि मैंने ना युग के कपड़े रखे थे, मतलब ठीक से ही रखे थे, और चीज़ें ठीक रहती हैं, पता नहीं कब फैल जाती है, पता नहीं चलती। हमेशा यही होता है, जल्दीबाजी में ही चीज़ें जो होती हैं फैल जाती हैं। अगर हम चीज़ें आराम से करते हैं ना, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही देखिए जल्दीबाजी हमें होने लगती है, तो हम कैसे भी रख देते हैं, कैसे भी छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए, मैंने ना ऐसे पहले जीन्स अरेंज कर ली, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार जो अलमारी का ये जो मैंने लिया था पेपर, वो तो बचा हुआ है, उसको इस पे लगा देंगे ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। थोड़ा मैंने नाप वाप ले लिया, मुझे लगा एडजस्ट हो जाएगा इसमें। तो अगर आप लोगों ने ना अलमारी वाली वीडियो मेरी देखी होगी कि मैंने अलमारी में कैसे लगाया है, तो आपको पता होगा कि थोड़ा सा पीस बच गया था मेरा। और अगर नहीं देखा है, आप लोग नए हैं ना, ज़रूर जाके देखिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना प्यार आप लोग देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए, मैंने ना नाप वाप की कटिंग करनी शुरू कर दी। बाकी सारे कपड़े भी जो थे ना, मैंने सोचा था कि कुछ ना कुछ करके देखूंगी, अरेंज करूंगी। तब तक मुझे ना एक और कार्टन दिख गया था, जिसका मैंने सोचा कि इसी का कुछ अरेंज करके ना मैं बना ही दूंगी। और देखिए, यहाँ पे मैं धीरे धीरे करके चिपका रही हूँ। अच्छा हुआ था फ्रेंड्स, मैंने इसको फेंका नहीं था। मैंने सोचा था ना पहले क्या ही यूज़ होगा, इतना छोटा सा है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, चीज़ें काम में आ ही जाती हैं। और ये चीज़ तो यूज़फुल थी भी, कि मैं किसी भी चीज़ पे चिपका सकती थी, भले भले ना थोड़ी सी ही पीस बची थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो यूज़ हो जाती। और देखिए, इस पे यूज़ हो गए, काफ़ी अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स देखने में। और जीन्स मैंने कुछ इस तरीके से फोल्ड करके रख दिया, एक तो जीन्स सारे दिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, और अच्छे से अरेंज भी हो गए हैं। तो दो साइड मैंने कवर कर लिया था, अब बचे थे बाकी दोनों, दो साइड छोटे छोटे जो साइड थे वो बचे थे। तो नाप नाप के ना थोड़ी कटिंग करके हो गया था। इसकी सबसे अच्छी बात है ना, बिल्कुल पता नहीं चलता है कि मतलब अगर कहीं आप एक के ऊपर एक भी लगा दे रहे हो तो पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल अच्छे से ये कंप्लीट हो गया, और मैंने जीन्स जीन्स को ना वापस रख दिया जहाँ पे युग के कपड़े रहते हैं, एक कबर्ड में। और इसके बाद मैंने सोचा कि अब जैसे इसके टी शर्ट्स हैं, शर्ट हैं, वो मैं क्या करूँगी, कैसे रखूँगी। तो ये बड़ा सा कार्टन था, और ये बात तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी हो गई है ऑनलाइन की अगर देखी जाए तो, कि अगर आप कुछ बड़ा सा सामान मंगाते हो ना कुछ यूज़फुल चीज़ें निकल जाती हैं। जैसे अभी मैंने जो बेड का वीडियो डाला था, तो बेड में जिसमें मैंने जो सूटकेस है वो रैप करके जिसमें रखा था, तो वो बीन बैग के साथ आया था। कभी कभी ऑनलाइन में भी ना ऐसी यूज़फुल चीज़ें आ जाती हैं कि मतलब एक तो आप काम की चीज़ें मंगाते हो, उस काम की चीज़ के साथ ना एक और काम की चीज़ आ जाती है जो कि आपके लिए यूज़फुल होती है। जैसे मान लीजिए ये सब कार्टन्स ही हैं, तो अगर कुछ ना कुछ करके आ रहे हैं तो हमारे यूज़ में हो जा रहे हैं, हम इसमें कुछ भी सामान रख सकते हैं, और ये देखने में ख़राब तब नहीं लगेंगे ना फ्रेंड्स, अगर आप इसमें कुछ ना डेकोरेट कर देते हैं, अच्छे से रख देते हैं। तो मेरे पास अभी डेकोरेशन के लिए कुछ नहीं था, वो चीज़ें मैं बाद में भी कर सकती हूँ। और यहाँ पर मैं ना लगा लगा के देख रही थी कि मैं किस तरीके से लगाऊंगी, मतलब जो इसके शेल्स में बनाने का सोच रही थी इसमें, तो वो किस तरीके से अच्छा लगेगा। तो फाइनली मैंने सोचा ना क्रॉस करके बनाती हूँ, ताकि ना इसकी सारी चीज़ें अलग अलग मैं रख सकूँ। तो देखिए, कुछ इस तरीके से मैंने सोचा। तो सिंगल सिंगल तो थोड़ा ही प्रॉब्लम दे रहा था, मतलब थोड़ा मुझे ना कमज़ोर लग रहा था सिंगल था तो ये, तो मैंने सोचा इसको डबल करके लगाते हैं। और ऐसे मुझे फाइनली ठीक लगा कि मतलब जो मैं ऐसे रैक लगाई थी, सिंपल एक रैक या फिर सिंपल खड़े में ऐसे रैक लगाए, तो मुझे इससे बेटर नहीं ये आइडिया लगा कि चार का ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और फ्रेंड्स मत पूछिए, दो दो लगाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई ना, दो को मैंने कट तो कर लिया और काफ़ी ये मोटा सा हो जा रहा था, और इसको डालने में ही मुझे प्रॉब्लम हुई थोड़ी, लेकिन ठीक है फाइनली हो गया, और ये हुआ कि मजबूत हो गया। और इसके बाद ना इसको स्टिक करना एक बड़ी प्रॉब्लम थी, थोड़ा कहीं ना कहीं से ना ऊपर नीचे हो जा रहा था, उठ जा रहा था एक साइड से, लेकिन फिर भी कैसे भी करके, जैसे देखिए जो ये वाली साइड है ना, इसी साइड ने सबसे ज़्यादा परेशान किया था, लेकिन फिर भी हो गया। अब मुझे इसको क्या करना था, थोड़ा मैंने सोचा कि फेविक्विक थोड़ा सा बचा हुआ है उससे स्टिक करके देख लेती हूँ, लेकिन बार बार ना ये इसी साइड से, मतलब जो अपोजिट साइड
लाइट देखी वो बार बार उठ जा रहा था, थोड़ा वो प्रॉब्लम दे रहा था। फिर मैंने निकाली ग्लू गन और सोचा चलो ग्लू गन से स्टिक करते हैं। तो जैसे कि मैंने हमेशा बताया है ना, मैंने ना घर में काम की सारी चीज़ें मतलब रखी हुई हैं जिससे का पता नहीं कब कौन सा यूज़ हो जाए। तो अभी थोड़ी देर पहले जो युग है वो सो रहा था, उसके बाद थोड़ी देर में वो उठ गया, उठ के देखने लगा कि क्या ही हो रहा है। और दोपहर का टाइम है तो वो सो के ना जल्दी मतलब जैसे स्कूल से आता है, मेरी कोशिश रहती है मैं उसको सुला दूँ 12-1 बजे तक। उसके बाद ना मैं अगर मैं नहीं सोती हूँ तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे ही ना काम निपटा लेती हूँ। तो आज मेरा वही दिन था कि मुझे लगा कि मैं अपने काम जो है ना वो निपटा लूँ सबसे पहले। तो देखिए मैं अच्छे तरीके से ना ग्लू गन से इसको स्टिक कर दूँगी। थोड़ी देर मुझे पकड़ना पड़ा था इसको देखने के लिए कि मतलब अच्छे से स्टिक हो रहा है कि नहीं। लेकिन फ्रेंड्स ये क्रॉस लगाने का फ़ायदा ये हुआ ना मुझे इसमें कि ये ना वैसे भी गिरता नहीं, थोड़ा मजबूत हो गया, थोड़ा डबल हो गया ना तो और मजबूत हो गया। फिर मैं आ गई यहाँ किचन में, प्याज के पराठे बनाए थे तो मैंने सोचा युग को ना सॉस लगा के वो दे देती हूँ, तब तक वो खाएगा। और जैसे युग जब सो के उठता है ना तो मैं उसको खाने के साथ साथ टीवी चला देती हूँ उस टाइम पे। तो इससे क्या होता है ना कि थोड़ा जो शाम का, जैसे अगर उसने 4 बजे तक टीवी देख ली तो क्या होता है अगर 1 घंटे टीवी वो देख लेता है तो उसके बाद मैं उसको होमवर्क करा लेती हूँ। और वो खुद ही पता है फ्रेंड्स, जैसे क्या होता है ना कि बहुत ज़्यादा आदत नहीं लगाने का एक फ़ायदा ये भी है कि जैसे खुद भी मना कर देता है कि मम्मा टीवी बंद करने का टाइम हो गया, मैंने बहुत देख लिया, तो खुद से भी कभी कभी बोल देता है बंद करने के लिए। और जब मुझे लगता है कि चलो हो गया तो मैं खुद भी बंद करवा देती हूँ। जब टाइम हो चुका है और खाना वाना भी खा चुका होता है तो देखिए वो मैंने रख दिया वहाँ पे जो मैंने कार्टन का बनाया था, छोटा सा अलमीरा टाइप का। और यहाँ पे मैं युग के जो भी कपड़े हैं ना, जैसे टी शर्ट्स हो गए, शर्ट्स हो गए, पैंट हो गए, और जो सेट वाले कपड़े हैं, जो पैंट शर्ट सेट वाले कपड़े एक साथ आते हैं, वो सारे कपड़े मैंने इसके अलग अलग करके रख दिए हैं। उससे क्या होगा ना कि उसको मैंने ना मुझे उसमें अरेंज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। और जो उधर आपको बैग दिख रहा होगा उसके लाल लाल ना चैन है, पहले मैंने यू के कपड़े उसमें रखे थे, उसमें भी अच्छे से अरेंज हो जाता था बट सामने से दिखता नहीं था। और अभी देखिए अभी क्या है ना, मैं आसानी से निकाल सकती हूँ। फ्रेंड्स बस एक प्रॉब्लम इसमें यही थी ना कि मैंने इसको डेकोरेट नहीं किया था। अगर मैंने इसमें ना कुछ लगा दिया होता तो वाकई ये लगता ही नहीं कि कार्टन से बना हुआ है, कुछ अलग सा ही ऑर्गेनाइजर दिखता। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि ऑर्गेनाइजर जो है वो खरीदूंगी, तो उससे अच्छा मुझे ऑप्शन दिख गया। और यहाँ पे मैं युग को लाकर दिखा रही हूँ, युग देख चलो मैंने तो माइलेज छोटी सी अलमारी बनाई है, चल तुम देखो। और युग को भी अच्छा लगा था, बोला था कि हाँ मम्मा ये तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि स्पेस बच गया और फैला भी नहीं रहेगा। फिर मैंने सोचा कि एक काम तो मैंने निपटा गया, तो चलो उसके जो नीचे वाला कबर्ड है ना उसको भी क्लीन कर ही लेती हूँ, बहुत दिनों से ये भी फैला है, लगी हूँ तो ये भी काम मैं साथ साथ में निपटा लूँ। तो इसमें भी क्या था कि मैंने एक कार्टन में ही करके ना घर की कुछ चीज़ें जैसे हैंड वॉश हो गया, इकट्ठे बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, वो सभी मैंने कार्टन में ही करके रख दिया था। जैसे कि मैंने बोला ना फ्रेंड्स कि ये सब चीज़ें बहुत आजकल यूज़फुल हो गई हैं जो कार्टन वगैरह होती हैं। ऑर्गेनाइज़र हम फ्रेंड्स खरीदते ही हैं, जो प्लास्टिक वाले आते हैं, जो भी आते हैं ना बास्केट छोटे छोटे, वो हम खरीदते ही हैं मार्केट से। तो मैंने सोचा ना कि ये जो कार्टन आते हैं उनको हम फेंक ही देंगे, तो उससे अच्छा है ना कि मैं इसी में करके रख देती हूँ और अंदर रहते हैं, यूज़ मतलब होता है ना यूज़ का यूज़ हो जाता है। तो बस मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अभी निकाल के ना इसको अच्छे से क्लीन करूँगी और जो भी फालतू की चीज़ें होंगी उनको फेंक दूंगी। बट इसमें ऐसा कुछ फालतू था ही नहीं, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ था तो उसको मैंने अलग से हटा के दूसरी जगह रख दिया, सबको मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। और अब मैं इसको ना दूसरी जगह पे रख दूंगी क्योंकि मैंने ना एक दिन पहले ही एक अलमारी और खाली की थी उसको ठीक करने के बाद। और यहाँ पे मैंने हमेशा जो आयरन वाले कपड़े होते हैं वो रखती हूँ। और देखिए अब मैंने एक ऑर्गेनाइज़र में कुछ चीज़ें जो यहाँ पे फैली हुई थी ना उनको इस ऑर्गेनाइज़र में डाल दिया। ये मैंने युग के टॉयज़ रखने के लिए मंगाया था, तो युग के टॉयज़ जो है ना मैंने 3-4 में ही सेट कर दिया। और इसमें मैंने जो भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ होते हैं और जो भी ऐसे छोटे छोटे कपड़े हैं फटे हुए जो कभी यूज़ आ जाते हैं तो मैंने उसमें डाल दिया है। क्या होता है ना फ्रेंड्स कि छोटे मोटे कपड़े जो भी बचते हैं ना मैं रख लेती हूँ किचन के लिए। और ऐसे टुकड़े टुकड़े कपड़े रहते हैं तो कभी कुछ पकड़ने में ही इजी हो जाता है, कभी कुछ पोंछने के लिए, सिर्फ फ्रिज जब हम साफ़ करने जाते हैं। तो मैं कॉटन के जो कपड़े हैं छोटे फटे पटे कपड़े जो होते हैं मैं रखी रहती हूँ। यहाँ देखिए यहाँ मैं गिर गई, सामान रखने आई, मैंने सोचा स्टूल को थोड़ा पीछे करके बैठती हूँ, तब तक मैं इसे धड़ाम करके गिर गई। और फ्रेंड्स ऐसे तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा होगा लेकिन मेरी हाथ जो है ना, जो अंगूठा है वो मुड़ गया था और बाद में थोड़ा वो पेन हो रहा था और मैं खुद हंसने भी लगी। युग मेरे सामने ही बैठा था, कोई युग नहीं दिख रहा, और हम दोनों ही हंसने लगे थे जब मैं गिर गई थी। तो और ये एक बॉक्स था जिसमें से ना मैं किचन के कुछ चीज़ें रखती थी उसको ही मैंने खाली कर दिया। मैंने सोचा कि इसमें मैं कुछ और चीज़ रखूंगी, किचन का सारा सामान किचन के बॉक्स में मैं लेके जाती हूँ। फिर आ गए थे मेरे पति देव और यहाँ पर देखिए उन्होंने बोला आके आज क्या मुझे मैगी बनाने का मन करे, मैं मैगी बनाऊंगा। मैंने बोला ठीक है बनाइए। फ्रेंड्स ऐसे तो मैं मैगी नहीं खाती लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उस दिन खाने का मन था। मैंने बोला कि मेरे लिए भी बना दीजिएगा मैं भी खाऊंगी, लेकिन मुझे मैगी में ना टमाटर बिल्कुल नहीं पसंद है। और बस तो मैंने बोला ना कि प्याज डाल के बनाइएगा और मैगी वो बना रहे थे और यहाँ पर हमारे कुछ बातें हो रही हैं, हंसी मजाक हो रहा है। और बिस्किट था और बिस्किट में बार बार दिखा के अप्रैल तक की उसकी एक्सपायरी डेट थी,
और अभी मई चल रहा है, मैंने बोला आप ये खा लेंगे मैरी गोल्ड बिस्किट, तो उसी में उन्होंने कुछ बोला और मैं हंस रही थी। और यहाँ पर फिर युग आया, हस्बैंड तो मैगी बना रहे हैं, तब तक मैंने सोचा युग के साथ थोड़ा सा टाइम जो है बिता लेते हैं, उनको बताते हैं कि जो हुला हूप है उसको कैसे यूज़ करते हैं। करने तो फ्रेंड्स मुझे भी नहीं आता है, बट मैं युग को ट्राई करने के लिए सिखा रही थी कि ऐसे ही लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे, रोल करेंगे तो हो जाएगा। और उसके कुछ पार्ट्स जो है मिसिंग थे, तो मैंने बोला और लेकर आओ तो अच्छे से हो जाएगा। उसने ये बोला कि मामा चलिए साथ में करते हैं। मैंने बोला नहीं बेटा साथ में नहीं होता है, ये ऐसे ही होता है, सिंगल सिंगल करोगे, ट्राई करोगे, हो जाएगा। और बच्चों को भी हमें सिखाते रहना चाहिए कि वो बार बार परेशान होता कि मम्मा मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने बोला बेटा ट्राई करोगे, हो जाएगा, ट्राई करने से होता है। और मैंने उसी का ना एग्जाम्पल दिया उसको कि तुमको साइकिल चलाने पहले नहीं आती थी लेकिन तुमको आ गई। और बस ये सब करने के बाद देखिए आरू वाले भैया आए हैं। बार बार ना आरू चल ही नहीं रहा था, बंद हो जा रहा था। फाइनली निकला इलेक्ट्रिसिटी जो होता है ना, स्विच जो था उसमें गड़बड़ी निकली और यहाँ पे आ गई मैगी हमारी रेडी होके। इतना सारा मैं लेके बैठी हूँ फ्रेंड्स, मैंने खाया नहीं था बिल्कुल भी, मतलब 2-3 स्पून खाया और फिर दे दिया हस्बैंड को, क्योंकि उसमें उन्होंने टमाटर डाल दिया था। उन्होंने बोला कि मुझे लगा तुमने बोला तुम खा लोगी, तो ठीक है। फिर मैं आ गई यहाँ पे, सारे काम खत्म करके फाइनली मुझे नींबू का चाय बनाना था और बर्तन सारे धुलने थे मुझे, बर्तन भी मैंने साथ साथ में धुल दिए और यहाँ पे एक साइड बिठा दिया था नींबू का चाय। और देखिए बार बार ना मुझे आरू चलाना पड़ रहा है क्योंकि ना ऐसे फ्लक्चुएट होने लग रहा था, जो भी लाइट्स है ना फ्लक्चुएट होने लगी थी, इससे बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। और जब तक एक तरफ मैंने चाय बिठाया है तब तक मैंने सोचा कि जो भी बर्तन पड़े हुए हैं उनको फटाफट से धुल लेती हूँ, क्योंकि फिर लंच का डिनर का टाइम हो रहा था हमारा, डिनर भी बनाना था। और फाइनली ना एक होता है ना कि सारे काम अभी के ख़त्म हो गए हैं, चलो एक अपने मन की चाय पी लेते हैं मज़ेदार सी। तो आजकल हमारी नींबू की चाय चलती है, तो मैं चली नींबू का चाय अपना एंजॉय करने के लिए, और हस्बैंड और मैं दोनों ही इस टाइम टी टाइम को थोड़ा एंजॉय करते हैं। फ्रेंड्स ये था आज का छोटा सा वीडियो, अपना प्यार हमेशा ऐसे ही देते रहिएगा मुझे, मेरे वीडियोज़ को आप लोग प्यार देते हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।